नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो अंबाला समेत पूरे हरियाणा को लेकर सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा वासियों को सस्ती कीमतों पर कैंसर का बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए प्रदेश वासियों को अंबाला का अटल कैंसर केयर सेंटर समर्पित किया गया है। अंबाला कैंट में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा में एम्स बनेगा जिसके लिए मनेठी में जमीन भी देखी जा रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि जल्द ही हरियाणा में एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको जान करके खुशी होगी कि एक ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने हरियाणा को भी मंजूर किया है और मनेठी में इसके जमीन मिलने की बात है, वो जमीन मिल रही है और जमीन दे दी गई है। बहुत जल्द प्रधानमंत्री जी आकर के उसका शिलान्यास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये हमको हरियाणा को मिलने वाला है। अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को संबोधित किया और प्रदेश में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। आज का यह अवसर बड़ा गौरव का दिन तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी एक सौगात स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हमको आज मिली है, लेकिन मैं इसको खुशी का दिन तो नहीं कह सकता। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। सर का जो रोगी होता है, इलाज के लिए तो हमने सब कर दिया, लेकिन एक सीमा से आगे जब वो बीमारी कैंसर की बढ़ती है तो वो काम करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तुमने ये विचार किया है कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं, ऐसे जो स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर पेशेंट होंगे उनको भी हम 2500 रुपया महीना उसी प्रकार की पेंशन देंगे। कैंसर पेशेंट्स, इनका इलाज ये भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो हॉस्पिटल हैं उनमें मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का खर्च कोई आएगा तो वो उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाएगा। और अभी चूंकि ये आज इसका उद्घाटन हुआ इस कैंसर हॉस्पिटल का, अब इसको भी हम जो कैंसर हॉस्पिटल के जितने भी जितने आयुष्मान भारत के जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं उन लिस्टेड हॉस्पिटल्स में यहाँ का जो कैंसर हॉस्पिटल है इसको भी उस लिस्ट के अंदर हम रजिस्टर कराएंगे, ताकि यहाँ भी किसी का इलाज होगा वो भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये कराया जाएगा। तो आज का ये अवसर बड़ा। अस्पताल के उद्घाटन समारोह के मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री ने प्रदेश को मिली सौगात का श्रेय केंद्र सरकार और पीएम मोदी को दिया, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही जनहित सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी। कोई चारा था यहां बन जाए, कोई चारा था यहां बन जाए, कोई चारा था यहां बन जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने अंदर जाकर अंबाला छावनी के पक्ष में वीटो कर दिया और अंबाला छावनी में कैंसर का अस्पताल बन गया। और यह अस्पताल हिमाचल, J&K, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबको ये अपनी सेवाएं देगा। अमेरिका के और रूस के दोनों के दूत रूस और यूक्रेन के युद्ध पर बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास आए। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये विचारधाराओं की जीत है, क्योंकि हमने कभी विचारधाराओं के साथ समझौता नहीं किया। Yeah.
एक और जहां सरकार ने अंबाला समेत पूरे हरियाणा को सौगात दी है, अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम मनोहर लाल, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अंबाला से लौटते वक्त पानीपत में जेपी नड्डा ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि शॉर्ट टाइम में आप सब यहां पहुंचे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लंबे समय से यहाँ पर इकट्ठे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटे नोटिस पर आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, फिर से आपको धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। पानीपत के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? बस पानीपत पानीपत है, बढ़िया। बहुत ही सरल और अच्छे इंसान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हर कार्यकर्ता से बड़े प्रेम भाव से मिले, अपनेपन से मिले, और उनके मन में ये भी था कि मैं थोड़ा लेट हो गया कि मेरी वजह से आपको बहुत देर यहाँ पे खड़ा होना पड़ा। ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, राजनीतिक संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने विनम्र थे। जाति दफे एक बात कही कि पानीपत पानीपत, हाँ पानीपत पानी, वो पानीपत को पसंद करते हैं। और मैं आपको बताऊं, उनके साथ एक याद पानीपत की जुड़ी है। जब पहली बार वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय वो पानीपत आए थे। वो आज भी बड़ी बैठकों में, एक दिन प्रधानमंत्री जी की बैठक थी उसमें भी याद कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि संजय जी मंडल अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, और मेरा पहला स्वागत, क्योंकि हिमाचल जाते हुए पानीपत का सिंगला पैलेस होटल होता था, उनको वो भी याद था कि आपने वो पहला स्वागत किया। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जींद में आयोजित इस बैठक के बाद राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए 5 मई को अदालती रोक हट चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव के संबंध में पत्र का इंतजार है, पत्र मिलते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं धनपत ने कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में 45 से 60 दिन लगते हैं, उसके बाद एक चरण के चुनाव के लिए 25-26 दिन का समय लगता है। ऐसे में पंचायत की पूरी चुनाव प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 6,226 सरपंचों और 62,000 से ज्यादा पंचों का चुनाव करवाया जाना है। पंचों का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि सरपंचों का चुनाव ईवीएम से करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के फैसले के बाद ही निकाय चुनाव पर निर्णय लिया जाएगा। तो चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बैठक ली और पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि प्रदेश में अब जल्द ही पंचायत चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पत्र का इंतजार है और पत्र मिलते ही चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जो पंचायती चुनाव के लिए तो कोर्ट से भी क्लियरेंस हो गई, वो सिर्फ राज्य सरकार से होता है कि वो सभी जहाँ पे भी रिजर्वेशन होनी है पोस्टों की वो कर दी है, वार्डबंदी पूरी हो चुकी है, तो एक मैंडेटरी कंसल्टेशन उसको बोलते हैं, एक्ट में प्रावधान है, वो चिट्ठी आ जाएगी तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारी तैयारी पूरी है। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पानीपत लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, समस्याओं के निवारण के लिए जो कमेटियां बनाई गई हैं और जिसमें जो अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है, उसमें अगर कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लंबे समय से एक ही जगह पर स्थापित कर्मचारियों के तबादले के भी संकेत दिए। वहीं पंचायती चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सीएम से बात हुई है, 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव होने की बात कही गई है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, निर्देश दिए गए, कई कमेटियां बनाई गई हैं और टाइम फाउंडेशन के साथ उनकी रिपोर्ट आई और अगर कहीं कोताही पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई की। आप सख्त नजर आई है सारी चीज को लेकर, अफसरों भी आपने सख्ती भी बोला? ये सख्ती नहीं है, ये अधिकारियों की कर्मचारियों की भी ड्यूटी है और मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम पूरे प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और जो शिकायतें हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो एक जगह लंबे लॉन्ग पीरियड से अधिकारी कर्मचारी किसी भी रूप में बैठे हों उनको भी अवकाश मिलेगा। शिकायत की हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, हमारी सरकार उसके लिए तैयार है और बहुत जल्दी अगले 1-2 महीनों के अंदर हम चुनाव में जा रहे हैं।
कोविड का समय था, आप सब जानते हैं, और पंचायत लेट हुई, बिल्कुल थोड़े से डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती थी मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी भी कोई कसर बाकी नहीं रहने दी जाएगी। आम आदमी पार्टी 29 मई को कुरुक्षेत्र में एक रैली करने जा रही है, जिसको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी हरियाणा के आप प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दी है। रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता करनाल में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद न सिर्फ शिक्षा के स्तर में सुधार होगा बल्कि भ्रष्टाचार से भी निजात मिलेगी। अब बदलेगा हरियाणा। रैली को संबोधित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी 29 मई को सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। आज करनाल के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, सभी कार्यकर्ताओं ने ये विश्वास दिलाया कि परिवार के साथ स्कूली विवाद को लेकर सोहना के दमदमा गांव में पंचायत का यह फैसला है कि जब तक स्कूल अपग्रेड नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी छात्र किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा और जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक दमदमा गांव के बच्चे सड़क किनारे टेंट में ही पढ़ाई करेंगे। वहीं अब सोहना के विधायक संजय सिंह ने भी दमदमा गांव के शहीद राज से मिडिल स्कूल का दर्जा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरने का समर्थन किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर मंगलवार को 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगा और स्कूल का दर्जा बढ़ाए जाने की मांग करेगा। ये जो हम धरने पे बैठे हुए हैं गांव दमदमा के आदमी, ये हम अपने स्कूल के अपग्रेड के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। टेंटों में बच्चे गर्मी में बैठे हुए हैं। माननीय एमएलए साहब भी यहाँ पे आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए हैं कि आपका 100% में करा कर छोड़। दूसरी बात ये कि सांसद के जो SP PA थे, PA साहब आए थे, उन्होंने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि हम आपके स्कूल को अपग्रेड करा के ही छोड़ेंगे और ये हमारी 21 सदस्यों की टीम CM साहब से जाकर चंडीगढ़ बात करेगी और करा के लेके आएगी और ये आखिरी दिन तक हम अपने धरने पर बैठे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 के पार्ट 3 और 19 सेक्टर के लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। वहीं सेक्टर वासियों ने अपने प्लॉट्स पर आई एनहांसमेंट की समस्या डिप्टी सीएम के सामने रखी। इस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सेक्टर वासियों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आश्वासन के बाद सेक्टर वासियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आभार भी जताया और कहा उन्हें पूरी उम्मीद है कि डिप्टी सीएम के प्रयासों से उनकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हुड्डा सेक्टर 20 के पार्ट 3 और सेक्टर 19 सहित दूसरे सेक्टर के लोगों को भी एनहांसमेंट की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सिरसा अनाज मंडी के आरती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर मेहता और मजदूर आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक मजदूर को आरती एसोसिएशन के प्रधान द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके चलते हजारों की संख्या में मजदूर एकत्रित होकर सिरसा मार्केट कमेटी के बाहर पहुंचे और रोष जाहिर किया। बकायदा इसको लेकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि बाद में प्रदर्शनकारियों ने आरती एसोसिएशन के प्रधान मनोहर लाल मेहता की दुकान के आगे धरना दिया। प्रदर्शन में मजदूरों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर मजदूर एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि गेहूं खाली भरी होने के चलते हम काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायती तौर पे हमारा फैसला कि आज के बाद वो कभी भी खाली भरी नहीं करवाएंगे और उसके बाद मतलब उनके ऊपर 61,000 रुपए का जुर्माना लगा था जो मंडी वेलफेयर सोसाइटी के पास मौजूद है। तो इसके अंदर इस संज्ञान के लिए मनोहर लाल मेहता जी ने हमें दोबारा बुलाया। मेरे साथ कुछ साथीगण थे जो मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर मुझे जान से मारने की धमकी दी और खाली भरी कराते थे ट्राली
ये गवर्नमेंट के भी चोर थे और हमारी भी मजदूरी जाती थी, वहीं खाली करवा लेते थे ना, हमें कोई सेठ मजदूरी देता था ना कोई और कुछ करते थे, ना हम ही झाड़ू लगाते उसके पैसे देते ना और किसी के, हम मजदूरी करते हैं उसके ही पैसे मिलते हैं हमें, इनको तोड़ते मिल जाती है, इनको क्या हमें को क्या मिलेगा, बच्चे वहां गए, बच्चों ने जाके चोरी पकड़ी गवर्नमेंट में वहाँ फैक्ट्री में चोरी पकड़ी गोदाम के अंदर, जब वो चोरी पकड़ ली तो सेठ ने चलो कुछ भी कराया, उसने 61,000 जुर्माना दे दिया। मनोहर लाल मेहता कहता है मेरे को दे वो ये जुर्माना। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के सामने कर्मचारियों को वेतन में अनुभव का लाभ दिलवाने और बकाया एरियर को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सिरसा के सभी अनुबंधित कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ रोष जाहिर किया, जमकर नारेबाजी भी की। तो वेतन में अनुभव का लाभ दिया जाए ये कर्मचारियों का कहना है, बकाया एरियर को लेकर भी कर्मचारी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। झज्जर में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा में किए जा रहे हैं। प्रदर्शन का मुख्य कारण है अधिकारियों के जो निलंबन हुए हैं उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर उन्हें बहाल किया जाए। वहीं पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने 13 तारीख को अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, उसके एवज में अधिकारियों से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना बताए मीटिंग का समय 21 तारीख रख दिया गया। जब अधिकारी उनसे मिलने गए तो उन्हें समझाने के बजाय उनका निलंबन कर दिया गया। उसी निलंबन के विरोध में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपे अपनी मांगों को लेकर। आपको बता दें कि निलंबन के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है और प्रदेश के हर जिले में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और मुख्य कारण जो है प्रदर्शन का वो है कि कई कर्मचारियों का निलंबन किया गया है। सिवानी मंडी में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि सरकार ने साल 2021 का जो मुआवजा सिवानी तहसील को मंजूर किया था उसका एक हिस्सा भी किसानों को नहीं दिया गया है। किसानों का कहना है कि मुआवजा देने के लिए जो शर्त लगाई गई है उसके चलते यह मुआवजा कागजों में ही रह गया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि बिना शर्त के पूरा मुआवजा किसानों को बांटा जाए, साथ ही बुढ़ापा पेंशन को कम से कम 10,000 रुपए करने की मांग भी की है। झज्जर के गांव मांडोठी में आर्यव्रत गौशाला में पशु चारे की समस्या को लेकर लोग लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से चारे की समस्या पर कदम उठाने की गुहार लगाई। वहीं झज्जर के डीसी ने लोगों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। एचएसबीपी और भूमि अधिग्रहण विभाग के सर्वे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। इस सर्वे के तहत सेक्टर एक की 21 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। बता दें कि सेक्टर एक के लिए साल 2002 में 169 एकड़ जमीन अधिग्रहित हुई थी, लेकिन अब सिर्फ 70.5 एकड़ जमीन खाली रह गई है। वहीं सर्वे के तहत यह भी पाया गया कि बहादुरगढ़ के बादली रोड पर सेक्टर 11 की जमीन पर कब्जा हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हमारी सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत एक किसान को एक साल में 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तें होती है। ये प्रोग्राम 2019 से स्टार्ट किया गया था और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इसके 1,972 बेनिफिशरीज हैं, लेकिन इन 1,972 बेनिफिशरीज में कुछ किसान ऐसे हैं
जिनकी एंटाइटलमेंट नहीं बनती इस स्कीम में पेंशन लेने की, लेकिन फिर भी वो गलती से इस पेंशन को ले रहे हैं। लगभग 2750 फार्मर हमारे जिले के ऐसे हैं जिनको पेंशन गलत जा रही है। इनसे रिकवरी का प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है, जितनी पेंशन इन्होंने ली है ये उसको वापस जमा करवाएंगे। इसके तहत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 34 फार्मर्स ने 212,000 रुपये वापस कर दिए हैं, जो सरकार को वापस भेज दिए गए हैं। बाकी रिकवरी के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन सबको नोटिस दिए गए हैं और जल्दी ये रिकवरी करके। पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 दिन पूर्व 25,33,500 रुपए की नकदी से भरा हुआ पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने के मामले में होडल सीआईए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उखाड़ी गई एटीएम मशीन और वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से फरार चल रहे उसके 8 अन्य साथियों के बारे में पता कर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही एटीएम मशीन से चोरी की गई रकम की भी बरामदगी की जाएगी। स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर गुरुग्राम के झाड़सा और सेक्टर 46 के लोगों ने बख्तावर भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रोड जाम किया। रोड जाम होने के चलते आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने का काम शुरू किया। रतिया के फुआरा चौक पर आरटीओ ने एक लोडिंग मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बता दें कि पिकअप टाटा के चालकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरटीओ ने लोडिंग मोटरसाइकिल के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इसी के साथ पिकअप टाटा के चालकों ने बताया कि लोडिंग मोटरसाइकिल के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लोडिंग मोटरसाइकिल पर आरटीओ का शिकंजा कसा गया। आपको बता दें कि कई लोडिंग मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और पिकअप टाटा चालकों की शिकायत पर यह एक्शन जो है वो लिया गया है, क्योंकि पिकअप टाटा के चालकों ने बताया कि लोडिंग मोटरसाइकिल के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत उन्होंने आरटीओ ऑफिस की और जहां से अब यह कड़ा एक्शन जो है वो लोडिंग मोटरसाइकिल के ऊपर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।